बुंदेलखंड की शेरनी कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू रोशनी यादव ने पन्ना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रोशनी यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 18 सालों से प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। अजयगढ़ धरा के और मेरे पन्ना विधानसभा के मेरे पितातुल्य सभी, मेरे दादाश्री, भाई श्री, सभी चाचाश्री और मेरी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज आप सबके बीच में पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं बहुत विलंब से आई, बहुत लेट हो गई, क्योंकि जब रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ एक सड़क मुझे मालूम हुई जिस पर सड़क बनवाने के लिए कई नारियल चटकाए गए। और मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूँ, आप जरूर सुने। मैं वो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुरूपिया सरकार ने, अब बहुरूपिया मंत्री ने एक जेब में कैंची रखी, एक जेब में नारियल, बस काटते रहे काटते रहे, इन्हें विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं किया। दोस्तों, आप देखते हो कि हमारे क्षेत्र के नौजवान पढ़ करके